उज्जैन में एक महिला के साथ सरेराह रेप हुआ। आरोपी ने शहर के कोयला फाटक चौराहे के फुटपाथ पर महिला के साथ दुष्कर्म किया। किसी शख्स ने एक वारदात का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना बुधवार की बताई जा रही है। गुरुवार को वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया। कोतवाली CSP ओम प्रकाश मिश्रा ने बताया कि पीड़ित महिला को थाना लाया गया, उसकी शिकायत पर FIR की गई, आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। पुलिस को वीडियो बनाने वाले की तलाश। पुलिस को अब रेप का वीडियो बनाने वाले शख्स की तलाश कर रही है। भास्कर की पड़ताल के पता चला कि जिस युवक ने वीडियो बनाया वो नागदा से आई बस से कोयला फाटक चौराहे पर उतरा था, जिसके बाद वो पेट्रोल पंप के और आया। इस बीच उसने रैप की वारदात का वीडियो बनाया और उज्जैन के कुछ सोशल मीडिया ग्रुप में अपलोड कर दिया था। पुलिस आसपास की CCTV फुटेज और लोगों से पूछताछ कर युवक की तलाश कर रही है। पता चला है कि पुलिस ने इस युवक का मोबाइल नंबर ट्रेस कर लिया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। महिला ने कहा, शराब पिलाई फिर रैप किया। पीड़ित महिला भीख मांग कर गुजारा करती है। उसने पुलिस को आरोपी का नाम लोकेशन बताया है। आरोपी उसे कोयला फाटक के पास मिला था। उसने शादी का झांसा देकर पहले शराब पिलाई, फिर नशे की हालात में उसके साथ गलत काम किया, इसके बाद धमकी देकर भाग गया। आरोपी रैप करता रहा, किसी ने वीडियो बना ली। कोयला फाटक उज्जैन के सबसे व्यस्तम इलाके में से एक है। इसी सड़क पर सड़क अस्पताल, पेट्रोल पंप और शराब की दुकानें भी हैं। वारदात के दौरान किसी ने इसका वीडियो बना लिया, लेकिन आरोपी को रोकने की कोशिश नहीं की। मजदूरी सब्जी बेचने का काम करता है आरोपी। CSP OP मिश्रा ने कहा कि वारदात बुधवार को दोपहर 2 से 3 बजे के बीच है। सिमगंज थाना क्षेत्र में एक मंदिर के पास रहने वाली 45 वर्षीय महिला कसरा प्लास्टिक बनाने का काम करती है। उसने पुलिस को बताया कि बुधवार दोपहर वह कोयला फाटक के पास कसरा बीन रही थी, तभी से उसे एक युवक मिला। उसने अपना नाम लोकेश बताया। लोकेश ने महिला को बहला फुसला कर शराब लाई, कहा मैं तुमसे शादी कराऊंगा, अपने साथ रखूंगा। इसके बाद वह महिला को बहाने से सड़क पर लगे डस्टबिन की आड़ में ले गया और फुटपाथ पर ही महिला से दुष्कर्म किया। मिश्रा ने बताया, गुरुवार को आरोपी लोकेश पिता ओकार लाल लहोरिया निवासी राजीव नगर आगर रोड को गिरफ्तार कर लिया गया। वह मजदूरी करने के साथ फेरी लगाकर सब्जी बेचने का काम करता है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर लिया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। वीडियो बनाने वाले की तलाश कर रही पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने कहा, वीडियो बनाने वाले व्यक्ति की भी तलाश की जा रही है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रोजगार की तलाश में 8 साल पहले उज्जैन आया था परिवार। पीड़िता का परिवार रोजी रोटी की तलाश में करीब 8 साल पहले उज्जैन आया था। महिला का 18 वर्षीय बेटा भी है जो कोतवाली थाना क्षेत्र में रहता है। वह मजदूरी करता है। उसने पुलिस को बताया कि माँ को वह अपने साथ रखने का कहता है, लेकिन वह बार बार बिना बिताए कहीं चली जाती है। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता को अपने बेटे के साथ उसके घर भेज दिया है।